ये जो मंदिर को पीड़ है उसमें दो तरफ सिंह के पत्थर है, सिंह की मूर्तियाँ बनी हुई है और उस पर जो एक संपट चढ़ाया गया तो संपट यहाँ शरणदास जो ठठेरा थे उन्होंने बनाया है। मतलब उनके जो औलाद है आज वो उस चीज़ को संजोए हुए आगे थाल के रूप में कई चीज़ों का वो करके उसके चित्र बना करके थाल के ऊपर और वो थाल प्रसिद्ध कर रहे हैं सारा। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव है जी। मैं बेसिकली चंबा से ही रहने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ मेरी शॉप है। ये जो चंबा थाल है ये बेसिकली ब्रास का बनाया जाता है। पुराने टाइम में जब राजाओं का टाइम था तो जो नक्काशी पीतल पे की जाती थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, तो उसको बचाने के लिए इसको एक नया आकार दिया गया जिसे हमने चंबा थाल का नाम दिया और लोगों ने इसे बहुत ही प्रोत्साहित पूर्वक अपनाया है, ले रहे हैं लोग और इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा ये एक पौराणिक परंपरा है हमारी जो डूबने से बच रही है और इसमें अब लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको खरीदने में भी और काम करने में भी। हमारे पास अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं जिसका काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये चंबा थाल चला तो लोगों ने इसको कोई खास महत्वता नहीं दी। लोगों का मानना था ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसको महत्वता दी जाए, पर जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया लोगों ने इसकी बारीकियां जानी हैं और लोगों ने जब ये देखा कि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, काम बहुत बारीकी का है, टोटली हैंडमेड है, तो लोगों ने अब तो इसको लोग बहुत ही खुश होकर ले रहे हैं। अब आप देखिए कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्डी और ये पूरा मोहल्ला आप देखिए तो पूरा मेटल के काम पे पूरा मोहल्ला काम कर रहा है और इसके कई थाल और इसकी कई मूर्तियाँ एक जगह 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 जा रही है और चंबा अपने आप में इस मूर्ति कला की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ आगे बढ़ रहा है। पहले किसी कोई टाइम था गिने चुने एक दो चित्र होते थे जो इस पे उकेरे जाते थे थाल के, अब तो हम कस्टमर के बोलने पे कस्टमाइज़ करते हैं, जो कस्टमर को चाहिए वो कस्टमाइज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी वही पुरानी है, काम करने का स्टाइल वही पुराना है, बस काम में एडिशंस चेंज कर दिए हैं, कलर थाल बनाने लग पड़े हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारे मोदी जी ने चंबा आके स्पेशली चंबा थाल का नाम लिया और वो बाहर भी विदेशों में जाते हैं तो इसको अपने साथ लेके जरूर जाते हैं, एक दो उनके साथ जरूर होते हैं जो वो उपहार के स्वरूप में सबको गिफ्ट करते हैं। बेसिकली अपने घरों में दीवार हैंगिंग के लिए लगाया जाता है, लोगों को गिफ्ट देने के लिए किया जाता है इसका मेनली उपयोग। जैसे जैसे लोग इसकी तरफ देख के अट्रैक्ट होते हैं, इतना अच्छा काम यहाँ के जो कारीगर लोग यहाँ इस पर करते हैं तो ये मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम लोगों को इसकी पता होना चाहिए। और अनुराग ठाकुर जी ने इसको बहुत बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर जी ने जितने अपने ओलंपिक्स के हुए हैं, ओलंपिक्स में जितने भी उन्होंने जो आए हैं जीत के, उन सबको सम्मानित चंबा थाल से किया है। ये हमारे चंबा थाल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंबा थाल बेसिकली ब्रास की शीट्स आती हैं जी, तो हम उन शीट्स को लाते हैं जिस आकार का जिसको चाहिए, लगभग ये गोलाकार में बनता है, तो उसमें इसकी कटिंग करके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जितना जिसको चाहिए फिर उसको पूरा मैनुअली हैंड से उसको गोल किया जाता है, उसके बाद उसकी आंखें निकाली जाती हैं, उसके बाद उस पर नक्काशी की जाती है। ये जितना भी है सारा हैंडमेड है। कस्टमर को जो चाहिए हम उसकी एक प्रिंट आउट निकालते हैं और उसी को उकेर देते हैं ताकि कस्टमर का जो दिया हुआ काम है और हमारे काम में डिफरेंस ना आए, देखने में ज़्यादा खूबसूरती बढ़ के आए। वो चंबा थाल ये जो कि यहाँ के लोकल लोगों का ट्रेडिशनल काम था, पर ये आने वाले समय पर टाइम टू टाइम ये इसका एक्सप्लोरेशन होता गया और ये ट्रेडिशनल वर्क धीरे धीरे पूरे पहले चंबा तक सीमित था, अब धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया हुआ है। इसको सबसे बड़ी पहचान देने वाले हैं मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी, हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। मोदी जी ने चंबा भी आए थे, रैली भी थी जहाँ उन्होंने चंबा थाल का जिक्र किया कि ये बहुत आगे तक वो इसको लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे वो इसको,
और अनुराग ठाकुर जी ने जैसे ओलंपिक से आए प्लेयर्स को जब ये दे दिया तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। ये बाहर के विदेश मंत्रियों को दिए जा रहे हैं तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है सर। अब तो लोग भी बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कोई हमारे चंबा का बाहर सेटल्ड है, कोई हिमाचल का सेटल्ड है, कोई दिल्ली का सेटल्ड है, वो हमसे मंगवाते हैं और अपने फॉरेनर गेस्ट को या कहीं जा रहे हैं विदेश में तो उनको गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। इस पर जो फोकस रहता है भगवान विष्णु की 9 अवतार हैं, जैसे 9 अवतार माता दुर्गा के हैं उसकी छाप ज़्यादा बताई जाती है, बाकी गणपति जी हैं जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी छपाई की जा सकती है। और इट्स ए वेरी टफ वर्क और बहुत ही अच्छे और सुंदरता से ये हमारे जो कारीगर है इसका बनाते हैं। इसे मैक्सिमम ये उस जगह पे ख़राब होता है, पॉलिश जहाँ पे मॉइस्चर होता है, अगर इसको मॉइस्चर लग भी जाता है तो आप इसको इमली के खट्टे के साथ, स्टील वूल के साथ, सिंपल सर्फ एक्सेल की जग बना के उससे साफ़ करिए, वॉश हो जाएगा। 100% प्योर ब्रास है, मिलावट इसमें है नहीं। ये बेसिकली एक पुराने टाइम में जैसे बर्तन धोए जाते थे उसको जितना इसको आप साफ़ करते जाएंगे उतनी इसकी चमक बढ़ती जाएगी, ये ख़राब नहीं पड़ेगा। मेरा नाम शांभवी ठाकुर है, ये आप पीछे देख सकते हैं ये हमारा चंबा थाल है। इसकी हाथों से नक्काशी की जाती है और ये घर में डेकोरेशन का काम करते हैं, मतलब दीवारों पे इसे सजाया जाता है। इसमें देवी देवताओं की फ़ोटोज़ जो हैं वो हाथों से बनाई जाती हैं और ये हमारे चंबा का बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल जो है वो थाल है। चंबा आए और सबसे पहले हमारा ऐतिहासिक मंदिर जो लक्ष्मी नारायण जी का, यहाँ पे अपना मस्तक टेकें, उसके बाद चंबा का भ्रमण करें। जितनी जगह चंबा में घूमने को है मेरे को लगता नहीं पूरे हिमाचल में कहीं है। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और आप यहाँ पर आएं और देखें कि कैसी कैसी यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि चंबा थाल है, चंबा रुमाल है, चंबा चप्पल भी है।